यो हनी सिंह की बर्थडे पर मिला नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री का गिफ्ट। सिंगर हनी सिंह ने अपने गानों से जितनी पॉपुलैरिटी बटोरी है, उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही ज्यादा कंट्रोवर्सीज में रही है। उनकी लाइफ के कुछ ऐसे चैप्टर थे जिसकी झलक अब डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेगी, जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी। हनी सिंह ने इसका ऐलान अपने 40th बर्थडे के मौके पर बुधवार को किया। अनाउंसमेंट वीडियो में हनी सिंह ने रैप गाकर इसकी अनाउंसमेंट की है। हनी सिंह कहते हैं, ये जो मेरी जिंदगी ऊपर वाले ने बनाई है, इसमें जो गहराई है, जिसने मुझे आज खुद की याद दिलाई है, कुछ यही बातें मैंने बतलाई हैं। गुल्लक तोड़ दी मैंने, अपनी आदत छोड़ दी मैंने, अपनी मत बोलना, अब हनी बीमार है, मेरी डॉक्यूमेंट्री तैयार है, होंगी कुछ ट्रिक्स कमिंग सून ऑन नेटफ्लिक्स। वीडियो में हनी सिंह के क्लोज शॉट्स के अलावा उनके लाइव कॉन्सर्ट और अवार्ड्स के भी सीन्स देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि डॉक्यूमेंट्री में उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं पर भी रोशनी डाली जाएगी। पंजाबी पॉप की पॉपुलैरिटी बढ़ाने में हनी सिंह का काफी योगदान माना जाता है। उनके कई रैप सॉन्ग ने रिकॉर्ड बनाए हैं। हनी ने बॉलीवुड में अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत शकल पे मत जा फिल्म से की थी और कई फिल्मों में उनके गानों को इस्तेमाल किया गया है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों की बात करें तो 2022 की भूल भुलैया 2 में उन्होंने दे ताली गाने में आवाज दी थी। इस साल आई अक्षय कुमार की सेल्फी में भी उनका गाया हुआ गाना कुड़ी चमकीली काफी पॉपुलर रहा। अब सलमान की आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी हनी सिंह की आवाज सुनाई देगी।